अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से रहेंगे। हम लोग भी आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से है। तो आज रेसिपी में देखो मैं क्या बना रही हूँ, एग लबाबदार की रेसिपी आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारी रहती है। और बताइए, आप लोगों को मसाला बताती हूँ। तो मैंने प्याज देखो इसको चॉपर में चॉप करी हूँ, मिक्सर में पीसा हुआ नहीं है, कटिंग करा हुआ नहीं है, चॉपर में चॉप करा प्याज है। ये दो प्याज है बड़ा बड़ा, और हाथ का गरम मसाला, नमक अपने हिसाब से, हल्दी की बुकी, मिर्ची की बुकी, धनिया की बुकी और ये मिर्ची बुकी, अदरक लहसुन। तो कुछ खड़े मसाले भी है देखो, गरम मसाले में दो लौंग है, दो छोटी इलायची है, और चार पांच काली मिर्च है, जीरा है, दो दालचीनी के टुकड़े, और हमारा एक स्टार फूल का ये एक इतना गरम मसाला हमको लगेगा। और ये तीन टमाटर है, इसको इस तरीके से चॉप करी हूँ। कुछ काजू के टुकड़े हैं, कुछ बादाम है, आठ बादाम है, काजू के टुकड़े भी देखो, और दही। ये चारों चीज़ को हम मिक्स करके पीसना है हमको। तो ये पांच अंडे हैं, और ये चार चीज़ बोली ना आप लोगों, इसको पीसना है। तो तेल गरम पे रख दी, तेल हमारा गरम हो चुका है। तो ये खड़े मसाले जो है वो डालेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चॉप करा हुआ कांदा है, ये डालेंगे। तो कांदे को हमको अच्छा फ्राई करना है, अच्छा ये पानी इसका जो कांदे का प्याज का पानी तो मैं निधार ली थी थोड़ा, तो फिर भी है चॉप करा हुआ है ना, तो इसको अच्छा भुनना है हमको, कलर इसका ब्राउन हो तक ही। तो ये पीसना है हमको, इसको पहले सूखा पीसूंगी, फिर बाद में टमाटर डालूंगी। तो देखो मैंने ऐसे पाउडर बना दी, अगर पहले पाउडर नहीं बनाती थी ना तो फिर उसमें अखा का रहता था। तो अब हम टमाटर डालेंगे इसमें, और दही भी डालेंगे, और साथ में अच्छा बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो नमक भी मैं साथ मिला के पीसूंगी, नमक से ज़रा ज़्यादा जल्दी बारीक होता है, कि इसका ब्लेड सही नहीं है ना, आप लोग को जरूर बताइए ना, मेरा मिक्सर छोटा ख़राब हुआ है। तो नमक डाल के पीसूंगी मैं। तो कांदा देखो हमारा अच्छे से मसाला ब्राउन हो चुका है, देखो आप लोग भी कितना अच्छा ब्राउन कर, पूरा इसका पानी जो था सूख गया, तेल में पक रहा है कांदा। तो आप लोग भी ऐसे फ्राई करना और ऐसे चॉप करके डालना, क्योंकि एक लबाबदार में हम खाली सूखी ग्रेवी में अंडे डालते हैं, तो उसके लिए हमको ग्रेवी के लिए कांदा वगैरह टमाटर लगता है। तो अभी हम अदरक लहसुन डालेंगे, अदरक लहसुन डाल के भी हमने एक मिनट भुने हैं माशाल्लाह। तो देखो हमारा अदरक लहसुन भुन गया। तो अब सूखे मसाले डालेंगे हम, मिर्ची भी डालेंगे, धनिया की बुकी। सूखे मसाले जलेंगे, बल्कि थोड़ा पानी पहले डाल देती हूँ, हल्दी की बुकी, हाथ का बना हुआ गर्म मसाला। अब ये मसालों को हम दो मिनट अच्छा भुनेंगे तेल छूटे तक की। तो देखो मसाला दो मिनट भुने हैं, तेल छूट गया हमारा मसाले में। तो अब हम ये टमाटर, दही, काजू, बादाम, नमक डाल के जो पीसे हैं ग्रेवी की वो डालेंगे। तो ये हमने डाल दिए हैं। तो अभी ये जो जग में था थोड़ा, तो जग का पानी धो के डालेंगे, और इसको स्लो पे इतना भूनेंगे कि इसकी तरी ऊपर आ जाना चाहिए। तो इसको मसाले को हमको स्लो करके ढक्कन डाल के अच्छा भूनूंगी मैं, फिर इसमें ग्रेवी करूँगी, मतलब अंडे डालूँगी। तो मसाला हमारा देखो माशाल्लाह, मैं बीच बीच में आके मसाले को भूनते गई हूँ, मसाला अच्छी तरीके से भुने गया, बल्कि तरी ऊपर आ गई है। तो अभी हम इसमें अंडे डालेंगे। तो ये दो हरी मिर्ची इस तरीके से कटिंग करी, मैं ये डालूंगी पहले, कोथमीर डालूंगी कटिंग करी हुई। मसाले की पहचान कैसी होती है, तरी ऊपर आ गई तो समझो हमारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुने गया है। तो कभी भी मसाला स्लो पे भुना जाता है। और ये एक बार आप लोग बनाओ मेरे तरीके से, खाओ, मेरे को कमेंट करना कैसी लगी मेरी रेसिपी, बहुत बेहतरीन बनता है ये। मैंने और किस्म की पिछली वीडियो में अंडे का डाली हूँ, तो आज ये बनाए, तो आप लोग को ये भी शेयर कर रही हूँ, ये भी बहुत बेहतरीन रोटी से, चावल से बहुत अच्छा लगता है। तो कोथमीर और मिर्ची डाल के मैंने मिक्स कर ली हूँ। तो अभी हम ग्रेवी करेंगे, ग्रेवी एकदम कम करने का, इसमें ज़्यादा नहीं, सूखा सूखा भुना भुना बनता है ये। तो मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी देखो, और आप लोग भी वैसी बनाना तो बहुत बेहतरीन बनेगा, जब इतनी ग्रेवी हमको बस हो गई है। तो अभी ये बॉयल में हम अंडे डालेंगे इसमें, एक बॉयल आने के बाद। तो वो एक बॉयल आ चुका है माशाल्लाह हमारे इसमें। तो अभी हम इसमें अंडे छोड़ेंगे, थोड़ा हिला के एक बार हिलाएंगे। देखो आप लोग कितना बेहतरीन खुशबू तो माशाल्लाह आ रही है, ग्रेवी देखो कितनी बेहतरीन बनी है अल्हम्दुलिल्लाह, देखो आप लोग भी। तो अब इसमें हम अंडे छोड़ेंगे। तो देखो अंडा देख लीजिए, अंडे में कुछ खराबी नहीं है। तो अब एक साइड साइड में हम अंडे कैसे छोड़ेंगे। तो अंडे हमने पांचों भी डाल दिए, साइड साइड में चार डाली हूँ, बीच में एक डाली हूँ। तो अभी हम इसको स्लो पे ढक के पांच को पकाएंगे। तो
पाँच मिनट हो गए हमारा, हम देखेंगे तो माशाल्लाह देखो तरी ऊपर आ चुकी है और वैदे भी माशाल्लाह पक चुके हैं। बीच बीच में देखो दिखाऊंगी आप लोगों को मैं, तो आप लोग अभी हम सर्व करेंगे, गैस बंद करेंगे। आज की रेसिपी हो गई हमारी तैयार एग लबाबदार। तो आइए आप लोग भी खाने के लिए, बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है माशाल्लाह। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ गई तो आप लोग मुझे लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मेरे चैनल पे जो भी नए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे, और सपोर्ट करो प्लीज़, और दुआ में याद रखो। इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।